तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आज हम लोग जा रहे हैं पूल बैक लाइट हाउस, जो है सैंडी माउंट बीच के पास, यहीं डबलिन में ही। मैं भी कभी नहीं गया हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है। महिमा तो गई है पहले भी 2-3 बार, थोड़ी बिजी है एक्चुअली टेक्सटिंग में, क्योंकि हमारा प्लान था और भी कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलने जुलने का, लेकिन उन लोगों ने एंड मोमेंट पर हमें थोड़ा सा डिच कर दिया है। और वो लोग बोल रहे हैं कि बोलिंग वोलिंग करने चलो, तो हम लोग देखते हैं, शायद वहाँ पे भी जाएंगे फिर शाम को। क्या बोलती है महिमा, ये क्या है? डन क्या होता है बता, फिर जाना है या नहीं जाना है? नहीं, मेरे हिसाब से तो मुश्किल है, क्योंकि हमें टाइम लगेगा वहाँ पे। तो यार, इट्स अ ब्यूटीफुल डे हियर इन डबलिन। हम फिलहाल अपनी बस का वेट कर रहे हैं, आप पीछे देख सकते हो। हाँ, वो तो यहाँ का यूजुअल है, थोड़ा सा ठंडा रहता ही है। तो हम बस का वेट कर रहे हैं फिलहाल। स्कूल सी बस आती है इनकी, वो डबल डेकर वाली, फिर हम लोग जाएंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। लुअस वगैरह जाती नहीं है, और या बस काफ़ी कन्वीनियंट है हमारे लिए। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा सनी डे है, बढ़िया सा वेदर है। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, फन करते हैं थोड़ा सा। ओके महिमा, सी यू। वैसे हमारी बस भी आ चुकी है, देख लो, चलते हैं। तो वैसे हम लोग आ चुके हैं फिलहाल बस में, और हमने सैंडीफोर्ड लोअर स्टॉप के पास में बस ली थी, और आई थिंक 1 घंटा दूर है, 1 घंटा दूर है, हाफ एन आवर ही दूर है। हाँ, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट उसके बाद 1 घंटे की वॉक है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बताई है मेहमान ने मुझे, जो कि गई है पहले। और ऐसा कुछ है कि ये बस थोड़ा बाहर उतार देती है, उसके बाद वो पूरी अच्छी सी वॉक है पानी के ऊपर, है ना, फिर लाइट हाउस है समथिंग, दोनों तरफ पानी है और बीच में एक ट्रेल है जिस जो एकदम एंड पे जाकर एक लाइट हाउस। हाँ, तो हम वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, काफ़ी सुना है उसके बारे में। और अभी हम इसके पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच भी चल रहा है आज, वो देख रहे थे, जिसमें इंडिया ने काफ़ी बुरे तरीके से उड़ाया है पाकिस्तान को, 191 पे ऑल आउट कर दिया है। महिमा लॉस्ट तो उसे पता नहीं, वो कुछ भी नहीं देख रही थी, सॉरी दिए। तो सीन यही है कि ये वाला जो व्लॉग है, ये थोड़ा 4-5 दिन बाद आएगा, काम रहता है गाइस मुझे थोड़े बहुत ना, तो इसलिए मैं थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ। मजदूरी पे भी तो जाना पड़ता है ना भाई, कौन से आईटी में मजदूर है तुम्हारा भाई, यहाँ काम करना पड़ता है वहाँ पे जाके थोड़ा, तो इसलिए मैं। हाँ, काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं कि आप बहुत स्लो व्लॉग्स डालते हो या आप रेगुलरली क्यों नहीं डालते हो, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि गाइस सॉरी, लेकिन मेरे को थोड़ा सा काम पे भी ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा बहुत काम करता है तुम्हारा भाई, न्यूबी है, न्यूबी। हाँ, अभी नया नया काम करता हूँ, पहले तो वेला रहता था, मैं कुछ भी नहीं करता था। तो या ये वाला व्लॉग थोड़ा 4-5 दिन बाद आएगा, और आप मेरे दूसरे व्लॉग्स देखो, मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में भी, और सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को गाइस। मैंने नोटिस किया लास्ट 2-3 दिन में 10-15 सब्सक्राइबर कम हो गए मेरे। अरे ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? बता के तो जाओ ये कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, तो मुझे बता तो दो एटलीस्ट क्यों भाई। गाइस, हम पहुँच चुके हैं सैंडी माउंट, पास में ही था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। और अभी मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हम लोग यहाँ पे पहले आए हैं, क्योंकि यहाँ पास में बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा है, एक गुरुद्वारा है, और पूरे डबलिन में एक ही गुरुद्वारा है, बहुत अच्छा है वो। आई थिंक संडे को वहाँ पे हमने एक बार, संडे आफ्टरनून में वहाँ पे लंगर होता है, ट्यूसडे इवनिंग, संडे आफ्टरनून में हमने वहाँ पे एक बार लंगर खाया अभी था, और ट्यूसडे इवनिंग को भी होता है। तो या बट आज तो हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, आज हम लोग जा रहे हैं वो लाइट हाउस की तरफ, उसकी वॉक काफ़ी लंबी है, तो चलते हैं। और ये काफ़ी अच्छा नेबरहुड है, महंगी महंगी कार और अमीर अमीर लोगों और बड़े बड़े घर वाला, वरना डबलिन में जितना हाउसिंग क्राइसिस है, इतने बड़े घर मुझे नहीं लगता आज के डेट में ख़रीदना किसी के लिए भी बहुत ईजी होगा। क्यों महिमा? क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स ने लिए हैं घर, बट उन्होंने अच्छे डिसेंट साइज़ के घर लिए हैं, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है अब डबलिन। तो यार चलते हैं आगे, देखते हैं। तो ये देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने पूल बैग लाइट हाउस, यहाँ के लिए आई थिंक ये वाला रास्ता है। अभी जाते हैं यहाँ से, अभी एक बार हम थोड़ा सा सैंडी माउंट बीच का चक्कर
मार ले एक वे, ये देख लो आगे दिख रहा है, बट महिमा बोल रही है कि आगे से भी है रास्ता, तो आगे से जाके देख लेते हैं। काफी अच्छा वेदर है, सन के बहकावे में मत आओ, काफी ज्यादा विंडी है, बट एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जस्ट इमेजिन अगर सन नहीं होता और सिर्फ हवा होती तो हमारा बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पे मैंने जैकेट भी पहन लिया भाई, मैं तो थोड़ा सोच के आया था ये कुछ सर्फर्स पैराडाइज टाइप, कुछ गोल्ड कोस्ट टाइप वाइब होगी इधर की। देख लो भाई इस घास के पीछे सैंडी माउंट बीच और स्काई कितना सुंदर सा लग रहा है, देखो। तो गाइस हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, बहुत अच्छी वाइब है, काफी लोग यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, अपने क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे कुत्तों को भी घुमा रहे हैं, और थोड़ा सा अजीब भी है अगर आप देखोगे मेरे पीछे तो। ये है सैंडी माउंट बीच, अब आई डोंट नो कई लोग वहाँ उधर थोड़ा दूर जाके वॉक भी कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन शायद कुछ ज़्यादा ही अलग थी शायद, मे भी पता नहीं, बट महिमा बोल रही है कि आगे काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, तो या लेट सी। फिलहाल तो बहुत गंदी बदबू आ रही है मेरे को यहाँ पे, तो मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। तो गाइस आई थिंक ये पता नहीं क्या, आई थिंक ये कीचड़ कूचड़ की बदबू सी है, ये देखो यहाँ पे पूरा ये कीचड़ है, और आगे जाके कोई फैक्ट्री है तो मे बी, बट पता नहीं, बहुत वियर्ड है। आई नो मुझे ये नहीं बताना चाहिए बट पता नहीं, बहुत वियर्ड है। मैं तो यहाँ पे हूँ तो तुम लोग सुनो, एटलीस्ट तुम्हें सूंघना नहीं पड़ रहा है। बहुत ही गंदी है भाई, सीरियसली बहुत गंदी है। शांति से यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा नाइस एंड क्वाइट हो गया है थोड़ा आगे आने के बाद, और यहाँ पे बदबू भी नहीं है, बहुत ही गंदी स्मेल थी वो, मतलब मैं बता नहीं सकता कि कैसे रिलेट करें मैं। हाँ तो गाइज मैं अपनी बदबू टॉक्स में यही बोल रहा था कि उधर इतनी ज़्यादा बदबू थी, मतलब आप इमेजिन करो मतलब कोई क्यों ही वो करेगा, लेकिन एक सेकेंड के लिए आप इमेजिन करो कि आपको सुबह वॉशरूम जाना है और आपके पहले कोई पॉल्टी करके आया है और उसने फ्लश नहीं करा और आप अंदर घुस गए, ऐसी स्मेल आ रही थी वहां पे सीरियसली। ठीक है तूने भी तो सूखा। बट एनीवे हम चलते हैं आगे देखते हैं। एक बार और आप देखो मेरे पीछे, बहुत ही अच्छा, ऐसे घूम घूम के दिखा देता हूँ, ये महिमा जा रही है और काफ़ी अमेजिंग सा व्यू है, और आई थिंक इस साइड कोई तो फैक्ट्रीज है, इस साइड तो पानी है, और अभी हम आगे और जा रहे हैं लाइट हाउस की तरफ। काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी लोग रनिंग वनिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, और कुत्ते उत्ते भी हैं काफ़ी सारे। ये देखो ये डॉग से डर के इधर वापस आने लग गई है, इसको डॉग से डर लगता है। हाफवे थ्रू थोड़ा ऊपर नीचे चढ़ के जैसे तैसे आ गए हैं हम यहाँ पे, इन्होंने ऐसे बेंचेस वगैरह भी लगा रखी है, और अब तो मुझे भी गर्मी लगने लगी है, मैंने थोड़ी जैकेट खोल लिया। हाँ वेदर अच्छा है, और हमारे पास पानी पुनी का भी इंतज़ाम हम लेके आए हैं, और अच्छा है ओवरऑल। बस महिमा को थोड़े से डॉग्स हैं यहाँ पे जो परेशान कर रहे हैं बार बार आके। हाँ इसके फेवरेट एनिमल्स हैं डॉग्स, और इसकी ड्रीम है कि इसको 3-4 कुत्ते तो पालने ही है। बहुत ज्यादा डर लगता है। हाँ थोड़ा सा डर लगता है इसको, इसने लाइफ में एक बार हाथ लगाया है डॉगीज को, बट या ये देख सकते हो आप गाइस मेरे पीछे बढ़िया सा व्यू, और हम जा रहे हैं आगे, अभी भी काफी दूर है, तो आप बने रहिए और मेरे व्लॉग को एंड तक जरूर देखना गाइस, ओके। ये देख लो ये भी है सैंडी माउंट बीच का पार्ट, और यहाँ पे है कुछ फैक्ट्रीज, और अगर आप वो दूर की तरफ देखोगे ये वो लाइट हाउस जहाँ पे हम जाने वाले हैं, और अभी हम इससे काफी दूर है, मैंने फुल जूम किया है तो भी इतना छोटा दिख रहा है, और ये हल्का सा कुछ तो रेनबो दिख रहा है, पता नहीं इसमें कैमरा में नहीं आ रहा है। ये फैक्ट्रीज के बीच में से होते हुए कच्चा सा रास्ता जा रहा है जिसमें कीचड़ है, पत्थर है, सब कुछ है थोड़ा बहुत,
और हम यहाँ से चल के जा रहे हैं उस लाइट हाउस की तरफ, और काफी लोग यहाँ पे ग्रुप्स वगैरह बना के भी वो कर रहे हैं। आप देख सकते हो पीछे ये सारी फैक्ट्रीज है, इधर भी है, इनफैक्ट पूरे में ही है इस साइड। और इन्हीं की स्मेल आ रही थी जो मैं पीछे बोल रहा था, जो कि यहाँ पे और भी ज्यादा आ रही है। बट आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं, वहाँ पे मुझे दिख रहे कई लोग गाड़ी वाड़ी से भी आए हुए हैं, तो हमें ये चीज पता ही नहीं थी। गाड़ी वाली तो पता थी तुझे महिमा? महिमा को भी पता नहीं थी कि गाड़ी का एक्सेस है यहाँ पे, वरना हम लोग भी कार लेके आ जाते। आगे दिख रही है कि तो फिर हमारा कच्चा रास्ता वाला सारा पार्ट जो था स्किप हो जाता है। तो देखो हम आ चुके हैं मेन रोड पे, और मेरे पीछे देख सकते हो आप ये सब कार्स खड़ी हुई है यहाँ पे। अगर हमें पहले से आइडिया होता हम डेफिनेटली गाड़ी से आते, उसमें बहुत टाइम और एनर्जी बचती। बट एनीवे वी आर एंजॉयिंग, और हमारी स्टेप्स भी हो जाएगी इस चक्कर में। हम थोड़ा सा दूर आ चुके हैं, चलते चलते काफी अच्छी लंबी वॉक है। कुछ लोग हमें दिखे जो मछली पकड़ने वाले भी हैं यहाँ पे, पता खुद अकेला कोई कैसे आ सकता है भाई इतनी लंबी वॉक के लिए, उसके लिए एक अलग कॉन्फिडेंस चाहिए। हम तो नहीं आ सकते भाई, हम तो दोनों खुद एक दूसरे को धक्के दे दे के लाए कि अरे चल चल चल। Guys, as usual, Irish weather बहुत ही unpredictable है। देखो काले बादल आने लगे हैं पीछे, और ना आज हम गाड़ी में आए हैं और ना ही अम्ब्रेला लेके आए हैं। लेट हो रहे थे, जल्दी जल्दी भाग के आ गए बस। तो अगर बारिश आ गई, और हम लोग हैं भी बहुत दूर एक्चुअली ये बस स्टॉप या किसी भी चीज़ से, तो अगर बारिश आ गई तो सिस्टम हैंग हो जाएगा। और मुझे ये जैकेट भी पहननी पड़ी है, क्योंकि ऑब्वियसली पानी के पास बहुत ज्यादा ही ठंडा लग रहा है। और मैं आपको पास में से दिखाता हूँ, पानी तो काफी बढ़िया लग रहा है देखने में, बट यहाँ पे पत्थर पत्थर है। दो सेकंड बैठ जाए। ये देखो पीछे से हवा चल रही है, कपड़े पे हवा लग रही है, मेरे को बहुत ठंडी। यहाँ पे हमें एक छोटी सी ब्रांड में कॉफी शॉप मिली है, हम सोच रहे हैं कुछ गर्म गर्म कॉफी ले लें। से हम निकलने वाले हैं कॉफी लेके बस वॉक करने के लिए। अब तो हम भी थोड़े से फ्री होने लगे हैं। देख लो गाइस आयरलैंड की हवा बहुत हद से ज्यादा तेज और ठंडी है। गाइस हमारी कॉफ़ी आ चुकी है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कॉफ़ी पी के। हाथ तो थोड़े से फ्रीज हो रहे हैं, क्यों है, और सन और थोड़ा सा सन भी वापस आ चुका है, और हवा तो मेरी टोपी देख लो उससे आपको पता चल जाएगा कि हवा कितनी है। और ये वॉक लेट और ये वॉक थोड़ी सी ऐसी है, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा कोई फेंस शेंस नहीं है, आप ध्यान से चलो वरना टपक जाओगे। और तो क्या बोल रही थी बालों का, इसके बाल उड़ रहे हैं चारों तरफ, और काफी अच्छा है यार, और मुझे काफी अच्छा लगा।
क्या कहते हैं, अच्छी सी वो के हवा चल रही है, आप आराम से आओ, कॉफी वगैरह पियो अपना। बट यही है कि और कुछ नहीं है, बस वॉक है, मतलब आराम से। अगर आपको हवा पसंद है आयरलैंड की, तो थोड़ी देर आ जाओ हवा खाने। हाँ, अगर व्यूज, इफ यू लाइक टू बी अराउंड वाटर या जो भी, तो ये काफी अच्छी जगह है। बस मोटी सी जैकेट पहन के आना है। गाइस, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आप हवा देख लो, मेरी टोपी से और महिमा के बालों से अंदाजा लगा लो। थोड़ी बहुत आवाज आ ही रही होगी पीछे भी, मैं नॉइस रिडक्शन करूंगा, बट स्टिल आई नो काफी डिस्टरबेंस आएगा हवा की वजह से इसमें। और हम कॉफी पीते पीते आराम से अपना आगे की तरफ जा रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, दिखाता हूँ मैं जल्दी। तो गाइस, ये देख लो, फाइनली इतनी देर वॉक करने के बाद, हवा के चांटे खाने के बाद और एक कप कॉफी पीने के बाद, जस्ट लुक एट द व्यू। और वो रहा लाइट हाउस, मैं एक सेकंड के लिए यहाँ पे रुकता हूँ, आप बस देखो कि कितना सुंदर लग रहा है ये। तो गाइस, ये देख लो, फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस लाइट हाउस के पास में। अब इससे पहले कि आप लोगों में से कोई मुझे मैसेज करे या कमेंट करे कि भाई इसके अंदर क्यों नहीं गए या कुछ भी, इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है। आस पास वॉक कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं व्यू। फाइनली लाइट हाउस पे, ये देख लो, सुंदर सा पानी, ये लोहे का जंग खत्म हुआ, समथिंग समथिंग है। मछलियाँ मछलियाँ पकड़ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हमारी तरह वीडियोस बना रहे हैं, फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, और मैं वहाँ कैमरा से फोटोज़ क्लिक कर रही है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, काफ़ी अच्छी जगह लग रही है और काफ़ी देर की लंबी चौड़ी हमने वॉक करी है यहाँ पर आने के लिए। तो ऑब्वियसली मैं पूरा देख के जाऊँगा कि क्या सीन है यहाँ पे। तो दिस इज इट गाइस, हम लोग बस यहाँ पे थोड़ी देर वॉक करके वापस जाएंगे। और क्या कहते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वॉक थी, अच्छा वेदर था, बड़ी ठंडी हवा भी चल रही है, बट ओवरऑल इट्स गुड, सन वापस आ चुका है। थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, चिल करेंगे, फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान है। तो गाइस देख लो, जैसा कि हम लोग बार बार बोल रहे थे कि ये वेदर आयरलैंड में कभी भी चेंज होता है, ये देख लो मेरी जैकेट, बारिश आ रही है यहाँ पे बहुत तेज, भीग भीग के जा रहे हैं हम लोग। और काफी दूर की वॉक अभी भी बची है, और हवा का तो मैं आपको क्या ही बताऊं। और देख लो, पूरे काले बादल हो चुके हैं, और अभी हमारी कुछ वही ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास की वॉक होगी। हम लोग बस पकड़ेंगे और वापस निकलेंगे। मैं वहाँ बता कैसा लगा तुझे फिर यहाँ पे आके। बस एक वर्ड, बस अभी बारिश होने, हम लोग वॉक कर रहे हैं, बट वी आर क्वाइट हैप्पी विद द प्लेस। और हमें बहुत अच्छा लगा एक नई जगह एक्सप्लोर करके, मतलब कुछ है जिसने तो पहले देखा हुआ था, बट ये देखो जो पानी मेरे पीछे, बहुत सुंदर लग रहा था थोड़ी देर पहले, और जो स्काई भी बहुत अच्छा था, वो पूरा चेंज हो के एकदम खतरनाक डरावना टाइप्स हो गया है। और ठंड भी, बारिश आने लगी है और ठंड भी काफी हो गई है। तो अब हम लोग भागे भागे वापस जा रहे हैं। गाइस दिस इज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, आपको अच्छा लगे तो कुछ भी कमेंट कर दो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज।
See you in my next vlog. Bye.